और राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के भूतल स्थित सभागार में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक पिंकी जोबिल ने की। उन्होंने कहा कि आगामी 7 अगस्त से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हो रही है और इसमें जिन बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जहाँ पर जैसे जैसे घुमंतू वाला कस्बा है, मोबाइल टीम जहाँ हमारी लगेंगी, अर्बन शहरी क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारी योजनाओं का कुछ एक वहम या मिथ या किसी कारण से उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी इस टीकाकरण में, वहाँ पर आपके सहयोग के लिए और आपको ये बताने के लिए कि इस टीकाकरण को हम कैसे करते हैं, टीकाकरण के विभिन्न लोग कैसे इन्वॉल्व हैं और अब तक की उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से कितनी अच्छी स्थिति है, और हम लोग करीबन 96% टीकाकरण कर चुके हैं। और कोविड की वजह से जो हम टीकाकरण जो बच्चे छूट गए थे 0 से 5 साल के, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, आने वाली जनरेशन हमारी सुरक्षित कैसे रहेंगी।